देखें, ये है व्हील थ्रू वाली मशीन जो मैं आपको मैंने आपसे कहा था कि मैं दिखाऊंगा। ये देखें, एक तो ये हो गया इसका, ये यानी कि ये पट्टी लगी हुई है, ये ऊपर नीचे भी इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं इसके, ये इस तरह थोड़ा सा अगर ये बोल्ट ढीले कर ले तो ये ढीले भी हो जाते हैं। तो ये होता है ऊपर नीचे वाला बैलेंस चेक करने के लिए, ये वाली स्पोर्ट, ठीक है। तो इस तरह ऊपर नीचे वाला बैलेंस जो है ना व्हील का, वो चेक कर सकते हैं। फिर इसको आराम से पीछे करके ये देखें, अब जो है ना ये पट्टी जो है ना ये अभी यहाँ पे साइड वाला व्हील थ्रू बैलेंस करने के लिए यहाँ पे काम आएगी। आप जितना इसको जहाँ पे खड़ा करेंगे वहीं रहेगी और कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब इसको इस तरह भी आप घुमा सकते हैं आगे पीछे का व्हील बैलेंस निकालने के लिए। अब देखें, ये कुर्सी पे बैठ के इजी निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरह, इसको इस तरह भी घुमा सकते हैं, इस तरह भी घुमा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरह भी आप इसका थ्रू करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर पैर भी रख के आप बैठ सकते हैं, ठीक है, तो आसानी से आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे आप इसके ऊपर ये वाली जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई भी व्हील लगा लेना तो आप व्हील का मसला हल हो जाएगा, यानी कि साइकिल का लगाएं, मोटरसाइकिल का लगाएं, किसी चीज़ का भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, इसको ये बोल्ट मैंने खुद तैयार की थी, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल्ट हैं, ये दस्ती एक्सल के बनाए थे, ये एक्सल मैंने ली थी एक कार वाली एक्सल जो है ना व्हील वाली वो। अच्छा, तो ये चाबियाँ मेरे ख्याल में ये तो आपके पास होंगी, ये मैंने लोहार से दस्ती बनवाई थी ना, ठीक है। ये वो उस चीज़ की बनी हुई है, जंपर पट्टी होते हैं गाड़ी की, उस चीज़ की बनी हुई है चाबियाँ, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं आपके ये वाले बोल्ट आपने इस तरह एक बोल्ट इधर लगा हुआ है, एक इस तरह इसमें ये प्ले आ जाती है ना, तो इसको ये इस तरह आप जहाँ पे इसको खड़ा करना चाहें व्हील टाइट करके इसको लॉक कर दें इधर, ये वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसको भी इस तरह जहाँ पे आप खड़ा करना चाहें वहीं पर ये लॉक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी लचक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे क्या लगा हुआ है ये भी मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये एक चादर सी लगी हुई है, ये एक चादर नीचे है, उसके ऊपर दो तीन एंगल लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक गोल सी चादर लगी हुई है, उस गोल चादर के ऊपर ना यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई है ये वाली। इसके ऊपर आप ट्रैक्टर वाली गजन पिन या गाड़ी वाली गजन पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल्ड हो सकती है, या इस तरह का मोटा ठिप्पा जो है ना वो आप इस तरह वेल्ड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों याकजा चादर हो गई अब, ठीक है। इसके ऊपर ये वाली पिन लगी हुई है, ये वाली पिन, ठीक है। ये ट्रैक्टर की हुक वाली पिन होती है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये वही एक ही जगह है यानी कि, ठीक है। तो इसको आप इसके अंदर रख के ना ये देखें, ठीक है। तो ये आगे पीछे भी नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती, थोड़ी सी वजनी हो जाती है, यानी कि घूमने में, काम करने में, बैठने में बिल्कुल आसान है बिल्कुल। तो ये छोटी सी वीडियो है आपके लिए, अगर आप ये मशीन बनाना चाहें तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे काम कर रहे हैं ना साइकिलों का, मोटरसाइकिलों का, तो मेरे हिसाब से ये आपको सूट करेगी। तो इस तरह की आप बना लें तो ये 5-6 हज़ार में बन जाती है ये, ठीक है। तो इस तरह के एंगल भी आपने लाजमी लगाने हैं, जब ये सरिया लगता है ना ये, तो इसके ऊपर एंगल ये आपने लगा देने हैं, ठीक है। एंगल लगा के जितना भी आप कसाई करेंगे तो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए, तो आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।